सो गाइस, तो कुछ इस तरह का थंबनेल चिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले हमको अपने स्क्रीनशॉट और पिक्सआर्ट में इंपोर्ट कर लेना। फिर यहाँ से हमको जाना है टूल्स पर और फिर प्रॉपर क्लिक करना है। और फिर इस पर टैप करने के बाद यहाँ से जो 16:9 वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको कट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हमको अपने थंबनेल को यहाँ से कट कर लेना है। देन इसको यहाँ से कट करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ से जो एफएक्स वाला ऑप्शन है इस पर टैप करना है। और इस पर टैप करने के बाद क्या करना है, यहाँ से जो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कलर्स वाला, इस पर क्लिक करना है। और फिर यहाँ से जो चौथे नंबर पर कलराइज वाला ऑप्शन है इस पर टैप करना है। देन इस पर एक और बार टैप करके इसके ह्यू को अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग रख लेना, जो कलर आप थंबनेल में रखना चाहिए। तो कुछ हम ये वाला कलर रख लेंगे, तो इसको यहाँ से कर लेंगे डन। देन अब क्या करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे स्टिकर पर। तो यहाँ से हम स्टिकर पर जाएंगे, तो इससे पहले क्या करेंगे, हम अपना इंटरनेट को यहाँ से ऑन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से अपना इंटरनेट ऑन कर लेते हैं, फिर यहाँ से हम सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम बिगनेट इफेक्ट सर्च करेंगे। और विग्नेट इफेक्ट सर्च करने के बाद यहाँ से कई सारे इफेक्ट आ जाएंगे। इनमें से जो पाँचवें नंबर पर इसको हमको डाउनलोड कर लेना है, तो इसको हमको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको यहाँ से पूरी तरह से इसको सेट कर लेना है। फिर यहाँ से राइट को राइट कर देना है। और फिर अब क्या करना है, यहाँ से हमको ऐड फोटो पर जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद दो PNG दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, दोनों को यहाँ से ऐड कर लेना है। और इन दोनों को यहाँ से ऐड करने के बाद क्या करना है, यहाँ से जो पहले लाइट वाले PNG उसको यहाँ से ले लेंगे और कुछ इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। देन ब्लेंड पर जाएंगे और इसको स्क्रीन कर लेंगे। देन अब जो पार्टिकल उस पर टैप करेंगे, इसको भी यहाँ से बीच साइड, इसको भी यहाँ से बराबर अपने थंबनेल पर एडजस्ट कर लेंगे। तो इसको इस तरह से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। देन अब यहाँ से हम जाएंगे इसके ब्लेंडिंग मोड पर और इसको स्क्रीन कर लेंगे। तो कुछ इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसको राइट पर क्लिक कर देंगे। और फिर अब यहाँ से हम जाएंगे ऐड फोटो पर। तो यहाँ से हम ऐड फोटो पर चलते हैं। ऐड फोटो पर जाने के बाद क्या करना है, यहाँ से हमको जाना है बैकग्राउंड पर। और बैकग्राउंड पर जाने के बाद जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है उसको यहाँ से ऐड कर लेना है। तो बैकग्राउंड को यहाँ से ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद यहाँ से क्रॉप पर जाना और यहाँ से इसको कुछ इस तरह से यहाँ से कट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से आपको भी यहाँ से देख लीजिए, कुछ इस तरह से इसको कट करना है। देन इसको राइट कर लेना है और फिर यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर लेना कुछ इस तरह से। और इसको थोड़ा सा रोटेट करके कुछ ऊपर की साइड में कुछ इस तरह से रख लेना है। देन इसकी ओपेसिटी को हमको कम कर लेना है लगभग 50%। तो कुछ 50% के करीब इसको रख लेना है। देन इसको यहाँ से कर लेना है राइट। देन टेक्स्ट पे जाकर अपना जो भी टेक्स्ट हमको लिखना है वो यहाँ से लिख लेना है। तो यहाँ से हमको अपना टेक्स्ट लिख लेना है। तो टेक्स्ट को लिखने के बाद इस तरह से इसको यहाँ से सेट कर लेना है। देन हमको सेकंड वाला टेक्स्ट भी लिख लेना है। और फिर यहाँ से सेकंड वाले टेक्स्ट लिखने के बाद इसको नीचे की तरफ कुछ इस तरह से इसको सेट कर लेना है। देन हमको इसके कलर पर जाना है, ग्रेडियंट पर जो ब्लैक वाला कलर उस पर टैप करके इसको यहाँ से ऑरेंज कलर रख लेना है। और फिर व्हाइट कलर को यहाँ से रखना है येलो कलर। तो कुछ इतना करने के बाद इतना हो चुका है। देन इसको अब हम कर लेंगे यहाँ से डन। तो यहाँ से राइट पर क्लिक कर देंगे और अब हमको यहाँ से जाना है ऐड फोटो पर। और ऐड फोटो पर जाने के बाद हमको हमारा स्क्रीनशॉट उसको यहाँ से फिर से ऐड कर लेना है। और इसको ऐड करने के बाद क्या करना है, यहाँ से हमको जाना है इसके कटआउट पर। और कटआउट पर जाने के बाद आउटलाइन पर क्लिक करना और उसके अपने कैरेक्टर के आउटलाइन जिसका कटआउट निकाल लेना है। तो कुछ इस तरह से इसका कटआउट निकाल लिया। तो इसको इस अच्छे से पहले सेट कर लेना अपने थंबनेल पर। देन इसकी शैडो पर क्लिक करना है। देन यहाँ से दोनों को ही फुल कर देना और फिर पोजीशन पर आना है। और पोजीशन पर आने के बाद यहाँ से इन दोनों को हमको कर लेना है 100। देन इन फर्स्ट वाले को हम 100 कर लेंगे, दोनों को 100 कर लिया। कलर पर जाएंगे, कलर को यहाँ से हमको अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग रख लेना, तो येलो कलर रख लेंगे। तो कुछ इतना हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको कर लेंगे डन। और अब यहाँ से हम जाएंगे इसके टूल्स पर। देन एडजस्टमेंट पर जाकर एडजस्टमेंट आपको अपने अकॉर्डिंगली कर लेनी है। तो ये एडजस्टमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। तो कुछ इसी के साथ ही हमारा जो थंबनेल है वो भी रेडी है। तो ये थंबनेल आपको कैसा लगा कमेंट बता देना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।